भगवान की मर्जी के आगे किसी की अर्जी नहीं चलती है। सुनिए इस वीडियो के माध्यम से एक सच्ची प्रेरक कथा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। एक पुराने से इमारत में वैद्य जी का मकान था। पिछले हिस्से में वो वहां रहा करते थे और अगले हिस्से में दवाखाना खोल रखा था। उनकी पत्नी की आदत थी कि दरवाजा खोलने से पहले उस दिन के लिए आवश्यक सामान एक चिट्ठी में लिख कर दे देती थी। वैद्य जी गद्दी पर बैठकर पहले भगवान का नाम लेते, फिर वह चिट्ठी खोलते। पत्नी ने जो बातें लिखी होती उनके भाव देखते, फिर उनका हिसाब करते, फिर परमात्मा से प्रार्थना करते कि हे भगवान, मैं केवल तेरे ही आदेश के अनुसार तेरी भक्ति छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चक्कर में आ बैठा हूँ। वैद्य जी कभी अपने मुंह से किसी रोगी से फीस नहीं मांगते थे, कोई देता था कोई नहीं देता था। किंतु एक बात निश्चित थी कि जो ही उस दिन के आवश्यक सामान खरीदने योग्य पैसे पूरे हो जाते थे, उसके बाद वह किसी से भी दवा के पैसे नहीं लेते थे, चाहे रोगी कितना ही धनवान क्यों न हो। एक दिन वैद्य जी ने दवाखाना खोला, गद्दी पर बैठकर परमात्मा का स्मरण करके पैसे का हिसाब लगाने के लिए आवश्यक सामान वाली चिट्ठी खोली, तो वह चिट्ठी को एक टक देखते ही रह गए। एक बार तो उनका मन भटक गया, उन्हें अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आए, किंतु शीघ्र ही उन्होंने अपनी तंत्रिकाओं पर नियंत्रण पा लिया। आटे, दाल, चावल आदि के बाद पत्नी ने लिखा था, बेटी का विवाह 20 तारीख को है, उसके दहेज का सामान कुछ देर सोचते रहे, फिर बाकी चीजों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामने लिखा, यह काम परमात्मा का है, परमात्मा जाने। एक दो रोगी आए थे, उन्हें वैद्य जी दवाई दे रहे थे। इसी दौरान एक बड़ी सी कार उनके दरवाजे के सामने, मतलब दवा खाने के सामने आकर रुकी। वैद्य जी ने कोई खास उन्हें तवज्जो नहीं दी, क्योंकि कई कार वाले उनके पास आते जाते रहते थे। दोनों मरीज दवाई लेकर चले गए। वह सूटेड बूटेड साहब कार से बाहर निकले और नमस्ते करके बेंच पर बैठ गए। वैद्य जी ने कहा कि अगर आपको अपने लिए दवा लेनी है तो इस स्टूल पर आए ताकि आपकी नाड़ी देख लो, और अगर किसी रोगी की दवाई लेके जाना चाहते हैं तो बीमारी की स्थिति का वर्णन करें। वह साहब कहने लगे, वैद्य जी आपने मुझे पहचाना नहीं, मेरा नाम कृष्णलाल है, लेकिन आप मुझे पहचान भी कैसे सकते हैं, क्योंकि मैं 15-16 साल बाद आपके दवाखाना पर आया हूँ। आपको पिछली मुलाकात का हाल सुनाता हूँ, फिर आपको सारी बात याद आ जाएगी। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मैं खुद नहीं आया था, अपितु ईश्वर मुझे आपके पास लेकर आए थे, क्योंकि ईश्वर ने मुझ पर कृपा की थी और वह मेरा घर आबाद करना चाहते थे। हुआ इस तरह था कि मैं कार से अपने पैतृक घर जा रहा था, बिल्कुल आपके दरवाजे के सामने हमारी कार पंचर हो गई। ड्राइवर कार का पहिया उतार कर पंचर लगवाने चला गया। आपने देखा कि गर्मी में मैं कार में बैठा था, आप मेरे पास आए और दवा खाने की ओर इशारा किया और कहा कि इधर आकर कुर्सी पर बैठ जाए। अंधा क्या चाहे, दो आंखें और कुर्सी पर आकर मैं बैठ गया। ड्राइवर ने कुछ ज्यादा ही देर लगा दी थी। एक छोटी सी बच्ची भी यहाँ आपकी बेंच के पास खड़ी थी और बार बार कह रही थी, चलो ना बाबा मुझे भूख लगी है। आप उससे कह रहे थे कि बेटी थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा धीरज धरो, चलते हैं। मैं यह सोच कर कि इतनी देर से आपके पास बैठा था और मेरे ही कारण आप खाना खाने भी नहीं जा रहे थे, मुझे कोई दवाई
खरीद लेनी चाहिए ताकि आप मेरे बैठने का भार महसूस न करें। मैंने कहा, वैद्य जी, मैं पिछले 5-6 साल से इंग्लैंड में रहकर कारोबार कर रहा हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अब तक बच्चे के सुख से वंचित हूँ। यहाँ भी इलाज कराया और वहाँ इंग्लैंड में भी इलाज कराया, लेकिन किस्मत ने निराशा के सिवा और कुछ नहीं दिया। आपने कहा था, मेरे भाई, आप भगवान पर भरोसा रखें, भगवान से निराश न हो रहें। याद रखिए कि उनके कोष में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आस औलाद, धन इज्जत, सुख दुख, जीवन मृत्यु, सब कुछ उसी के हाथ में है, जिसका नाम परमात्मा है। यह किसी वैद्य या डॉक्टर के हाथ में नहीं होता और न ही किसी दवा में होता है। जो कुछ होना होता है वह सब भगवान के आदेश से होता है। औलाद देनी है तो उसे ही देनी है। मुझे याद है आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ पुड़िया भी बनाते जा रहे थे। सभी दवा आपने दो भागों में विभाजित करके दो अलग अलग लिफाफों में डाली थी और फिर मुझसे पूछकर आपने एक लिफाफे पर मेरा और दूसरे पर मेरी पत्नी का नाम लिखकर दवा उपयोग करने का तरीका बताया था। मैंने तब बेदिली से वह दवा ले ली थी क्योंकि मैं सिर्फ कुछ पैसे आपको देना चाहता था। लेकिन जब दवा लेने के बाद मैंने पैसे पूछे तो आपने कहा था, बस ठीक है। मैंने जोर डाला तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। इसी कारण वहाँ एक और आदमी आया, उसने हमारी चर्चा सुनकर मुझे बताया कि खाता बंद होने का मतलब यह है कि आज के घरेलू खर्च के लिए जितनी राशि वैद्य जी ने भगवान से मांगी थी वह ईश्वर ने उन्हें दे दी है, अधिक पैसे वे ले नहीं सकते। मैं कुछ हैरान हुआ और कुछ दिल में लज्जित भी कि मेरे विचार कितने निम्न थे और यह सरलचित्त वैद्य कितनी महान है। मैंने जब घर जाकर पत्नी को औषधि दिखाई और सारी बातें बताई तो उसके मुंह से निकला, वो इंसान नहीं कोई देवता है और उसकी दी हुई दवा ही हमारे मन की मुराद पूरी करने का कारण बनी है। आज मेरे घर में दो फूल खिले हुए हैं। हम दोनों पति पत्नी हर समय आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। इतने साल तक कारोबार में फुर्सत नहीं दी, उसी से जला लो ना। स्वयं आकर आपसे धन्यवाद के दो शब्द ही कह जाता। इतने वर्षों के बाद आज भारत आया है और कार केवल यही रोशी है। वैद्य जी ने हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में सेटल हो चुका है। वैद्य जी बहुत प्रसन्न हुए। केवल मेरी एक विधवा बहन अपनी बेटी के साथ भारत में रहती है। हमारी भांजी की शादी इस महीने की 21 तारीख को होनी है। न जाने क्यों जब जब मैं अपनी भांजी के भाप के लिए कोई सामान खरीदता था तो मेरी आंखों के सामने आपकी वह छोटी सी बेटी भी आ जाती थी और हर सामान मैं दोहरा खरीद लेता था। मैं आपके विचारों को जानता था कि संभवतः आप वह सामान न लें, किंतु मुझे लगता था कि मेरी सगी भांजी के साथ जो चेहरा मुझे बार बार दिख रहा है वह भी मेरी भांजी ही है। मुझे लगता था कि ईश्वर ने इस भांजी के विवाह में भी मुझे भाप भरने की जिम्मेवारी दी है। वैद्य जी की आँखें आश्चर्य से खुली रह गई और बहुत धीमी आवाज में बोले, कृष्णलाल जी, आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ईश्वर की यह क्या माया है। क्या मेरी श्रीमती के हाथ की लिखी हुई यह चिट्ठी देखिए। और वैद्य जी ने चिट्ठी खोलकर कृष्णलाल जी को पकड़ा दी। वहां उपस्थित सभी यह देखकर हैरान रह गए कि दहेज का सामान के सामने लिखा हुआ था, यह काम परमात्मा का है, परमात्मा जाने। कांपती सी आवाज में वैद्य जी बोले, कृष्णलाल जी, विश्वास कीजिए कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पत्नी ने चिट्ठी पर आवश्यकता लिखी हो और भगवान ने उसी दिन उसकी व्यवस्था न कर दी हो। आपकी बातें सुनकर तो लगता है कि
भगवान को पता होता है कि किस दिन मेरी श्रीमती जी क्या लिखने वाले हैं, अन्यथा आपसे इतने दिन पहले ही सामान खरीदना जो है आपने आरंभ न करवा दिया होता परमात्मा ने। वाह भगवान वाह, तू महान है, तू दयावान है। मैं हैरान हूँ कि वह कैसे अपने रंग दिखाता है। वैद्य जी ने कहा, जब से होश संभाला है एक ही पाठ पढ़ा है कि सुबह परमात्मा का आभार कीजिए, शाम को अच्छा दिन गुजारने का आभार कीजिए, खाते समय उसका आभार कीजिए, सोते समय उनका आभार कीजिए। शुक्र है मेरे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्रिया। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। नमस्कार।